गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के भादका गांव में पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने से एक 8 वर्षीय बच्चे के छर्रे लग गए। आनन फानन में लहूलुहान स्थिति में बच्चे को सीकरी अस्पताल लेकर आए, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते उसे अलवर रेफर कर दिया है। अलवर में प्राथमिक उपचार देकर बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद ओसामा के परिवार की पड़ोस में रहने वाली आसम, जुबेर, जाहिर व राहुल के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिस रंजिश के चलते दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया, जिस पर आरोपी आसम के परिवार जनों ने पत्थरबाजी व हवाई फायर कर दिए, जिसमें कुछ छर्रे 8 वर्षीय मोहम्मद आसम के सिर में जा लगे। पीड़ित मोहम्मद ओसामा के परिजनों ने जिसकी शिकायत संबंधित थाना पुलिस को दी, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घायल मोहम्मद ओसामा के पिता ड्राइवरी का कार्य करते हैं, जो घटना के दौरान घर से बाहर थे। काला राहुल ने चलाई गोली और ये नंज वाले आसम ने। तो बच्चे के कहाँ कहाँ चोट लगी है? बच्चे के सर में चोट लगी जी। कहाँ लेकर आए थे शुरू में? शुरू में हम लेकर आए थे इसको सीकरी। अच्छा, तो वहाँ मैं शुरू में लेकर आया था मैं थाना में। शुरू में थाना में लेने के बाद में मैंने थानेदार को दिखाया बच्चा, उसने कहा भाई जल्दी से तो इसको ले जा जहाँ भी ट्रीटमेंट कराना चाहता है, बाद में रिपोर्ट शिपोर्ट बाद में हो जाएगी। तो मैं तुरंत सीकरी लेकर चला। सीकरी में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देख करके उनका कहा भाई ये तो हम हमारे पास जो है बाहर बात है, इसको तुम जल्दी से अलवर ले जाओ। तो उन्होंने अलवर को जो है रेफर कर दिया। अलवर में लाया तो अलवर वालों ने देख करके एक्सरे वगैरह करके सब कुछ करके इन्होंने कहा भाई यहाँ तो यहाँ ऐसे डॉक्टर नहीं, इसको जयपुर लेके जाओ। अब इसको मैं जयपुर लेके जा रहा हूँ। शहजाद के घर पे 10-12 लोग खड़े थे और गाली गुप्तार कर रहे थे। गाली गुप्तार के बाद में शहजाद ने कहा भाई तुम यहाँ ऐसे इस तरह क्यों कर रहे हैं, तुम जो है आगे चले जाओ। तो उन्होंने पहले यानी रंजिश के एतबार से पहले चल रही थी, तो उन्होंने एक साजिश जो है तैयार की। साजिश के मुताबिक क्या किया कि उन्होंने जो है तुरंत जो है उन पर शहजाद पे जो है पत्थर वगैरह और टोला वगैरह बरसाने शुरू कर दिया। एक दो औरतें और आ गई तो उन्होंने तुरंत जो अपनी छत पर चढ़ के गोली जो है गोली चला दी। गोली चलाने के बाद में फिर क्या हुआ कि बहुत जो है और लोग भी आ गए। एक हमारा चाचा सूबेदार था, वो भी चला गया बेचारा, उसका हाथ में लग गया दो गिर, तो उसका पैर टूट गया। तो इन लोगों ने पहले रंजिश के एतबार से ये साजिश तैयार करके फिर इन लोगों ने ये काम किया।